गाइस, कभी आपने एक ऐसे वर्कर को देखा है जो कि अपने मालिक की एक छोटी सी बात से गुस्सा होकर उसके शॉप की सारी टीवियां ही फोड़ना शुरू कर दे। अब गाइस, दुनिया में बहुत सारे ऐसे वर्कर्स होते हैं जो कि अपने काम को बहुत ही अच्छे से करते हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसे वर्कर्स भी होते हैं जिनकी एक छोटी सी गलती की वजह से उनके मालिक को लाखों रुपए का नुकसान होता है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के कुछ ऐसे वर्कर्स से मिलवाऊंगा जिन वर्कर्स को देखने के बाद आप यही सोचोगे कि भाई ऐसे वर्कर्स तो किसी को भी ना मिले। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को, मोस्ट एक्सपेंसिव मिस्टेक्स मेड बाय वर्कर्स। गाइस, कभी कभी वर्कर्स खुद को ओवर स्मार्ट समझ लेते हैं, उन्हें लगता है कि वो जो भी काम करेंगे उनसे वो काम आसानी से हो जाएगा। जैसे इसी वर्कर को ले लीजिए जिसने इतने भारी भरकम प्लेन को एक छोटी सी क्रेन से उठाकर ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस प्लेन का वेट ज्यादा होने की वजह से क्रेन बीच में से टूट जाती है और ये एरोप्लेन जमीन पर जा गिरता है। ये वीडियो हमारे इंडिया की ही है, इस हादसे में कोई इंजर्ड तो नहीं हुआ, लेकिन इस प्लेन कंपनी को ओवर स्मार्ट वर्कर के चलते भारी नुकसान हो गया। अब गाइस, इन तीनों वर्कर्स को देख लीजिए जो कि $10,000 के केक को अपने कस्टमर की कार में रखने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन इन तीनों वर्कर्स के पैर लड़खड़ाने की वजह से ये $10,000 का केक धूल चाटता नजर आता है। अब गाइस, यहाँ पर ये $10,000 के केक की भरपाई कौन करेगा, इस दुकान का मालिक या कस्टमर या फिर ये तीनों वर्कर्स, ये आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब गाइस, हम सभी लोग गेम्स तो खेलते ही हैं और आज के समय में तो रियल लाइफ गेम्स भी आ चुके हैं। उसे खेलते हुए हमें ऐसा लगेगा जैसे कि उस गेम को हम रियल लाइफ में खेल रहे हैं। ऐसे ही ये जनाब भी इसी गेम को खेल रहे थे और खेलते खेलते ये भूल चुके थे कि गेम से बाहर भी एक दुनिया होती है। इन्हें लग रहा था कि ये बिल्डिंग्स के ऊपर चल रहे हैं और ये गेम में एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगाने के लिए कूदते हैं। तभी ये भाई साहब तो अपनी टीवी में ही जा घुसते हैं और इस टीवी को देखते हुए लग रहा था कि ये टीवी तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होगी, लेकिन इन भाई साहब के टकराने के बाद टीवी की हालत कुछ ऐसी होती है। ये दोनों वर्कर मिलकर एक बड़े से मिट्टी के घड़े को इस ई रिक्शे के ऊपर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही इस घड़े को ये रिक्शे के ऊपर चढ़ा देते हैं वैसे ही ये ई रिक्शा आगे से उठ जाता है और घड़ा जमीन पर गिर जाता है। मिट्टी का होने की वजह से ये घड़ा तुरंत ही टूट जाता है। गाइस, हम सभी लोग जानते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और वो जो भी करते हैं उन्हें उसके बारे में नहीं पता होता है कि उससे सामने वाले को कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ इस बच्चे के फादर के साथ। ये अपने घर में एक न्यू टीवी लेके आए थे और जैसे ही ये इस टीवी को कवर से बाहर निकालते हैं वैसे ही इनका बच्चा टीवी में हथौड़ी को मार देता है, जिसके बाद तो टीवी के बीचों बीच में एक बड़ा सा स्पॉट बन जाता है और हैमर लगने की वजह से ये टीवी डैमेज भी हो चुकी थी। अब यहाँ पर ये लेडी वर्कर खाना सर्व करने के लिए प्लेट्स में सजा कर रख रही थी और फिर जैसे ही ये लेडी इस प्लेट को उठाती है वैसे ही ये प्लेट में रखा सारा खाना नीचे रखे बॉक्स में गिर जाता है। अब गाइस, क्या आपने कभी ऐसे वर्कर को देखा है जो कि अपने मालिक की बातों से गुस्सा होकर अपने ही मालिक की सारी दुकान में तोड़फोड़ मचाना शुरू करते? ऐसा ही कुछ हुआ इस टीवी शॉप में, जहाँ पर एक वर्कर अपने मालिक से सही समय पर सैलरी ना मिलने की वजह से इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो अपने मालिक की शॉप में रखी सारी टीवियों को तोड़ना शुरू कर देता है। अब गाइस, इस एक गलती की वजह से इस दुकान के मालिक को कितना ज्यादा नुकसान हुआ होगा। ऐसे ही ये वर्कर मशीन पार्ट्स को काउंट करने के लिए इस जगह पर पीछे खड़ी इस चीज से टेक लगाकर खड़ा होता है, लेकिन इस छोटी सी गलती की वजह से ये पूरी की पूरी दुकान लोटपोट हो जाती है और इस दुकान का सारा सामान जमीन पर गिर जाता है। ऐसे ही ये लोग अपनी कार को बाहर ओपन एरिया में पार्क करके चले जाते हैं, लेकिन इस जगह का मौसम खराब होने की वजह से यहाँ पर बड़े बड़े ओले गिरते हैं। जब ये ओले इन कार्स के कांच पर गिरते हैं तो यहाँ खड़ी सारी कार के कांच टूट जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक में कंक्रीट को भर के ले जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से सामने से एक कार आने की वजह से ये ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक में ब्रेक लगाता है और इसके पीछे भरा सारा कंक्रीट इस कार के ऊपर जा गिरता है। और यहाँ पर ये व्यक्ति अपनी कार के ऊपर गिरी स्नो साफ कर रहा था, तभी अचानक से ये ऊपर की तरफ देखता है और एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा इस कार पर जा गिरता है। उसके बाद इस कार की हालत क्या होती है ये तो आप अभी इस वीडियो में देख ही सकते हैं। ये कार पूरी तरह से डैमेज हो जाती है, लेकिन इस कार का मालिक लकीली बच जाता है। अब गाइस, इसी वर्कर को देख लीजिए जो कि वहाँ की चीजों को सेट करने के लिए ये उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ लगा सारा सामान जमीन पर गिर जाता है। ऐसे ही गाइस, बहुत सारे वर्कर्स होते हैं जो कि अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से अपने मालिक का लाखों रुपए का नुकसान करा देते हैं।
वैसे गाइस आपको इन सभी वीडियो क्लिप्स में से सबसे बेस्ट वीडियो क्लिप कौन सी लगी, और गाइस क्या आपने कभी कोई ऐसी मिस्टेक की है जिसकी वजह से आपके फादर को भारी नुकसान हुआ हो? तो गाइस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।